अमर चल पानी ले क्या। अबे यार मैं तंग आ गया उस बुड्ढे से। साले को एक बात 50 बार ना बोलूं जब तक सुनता ही नहीं है। तो भगा दे साले को, तूने का ठेका लिया इस बुड्ढे का। अबे यार इसको 1500 रुपए दे देता हूँ महीने के, इतने में सारा काम कर देता है साफ सफाई का, तो क्या बुराई है इसमें। अच्छा जी, बड़ा सस्ता नौकर है तेरा। चल मैं बुलाता हूँ इसे। अमर, ओ अमर, ओ अमर। जी सर। जाकर पानी लेके आ। अबे तू, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? साहब अमर सिंह ताऊ जी है मेरे। साहब आज उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ गया साफ सफाई करने। अच्छा चल ठीक है। अच्छा सुन एक काम कर, मेरे लैपटॉप पकड़ा। अरे आज ये बच्चा कहाँ से पकड़ लाया? अपनी सेवा कराने के लिए लाया है क्या? यार आज वो भैरा बुड्ढा नहीं आया काम पर, इसलिए इसे भेज दिया उसने। पर आज क्यों नहीं आया वो? ये बता रहा बीमार है, मुझे तो डर है कहीं वो टपक ना जाए, वरना ऐसा सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। अरे तू कैसे देख रहा है, कठने कुत्ते की तरह। चल जाकर पानी लेके आ दीपक डॉन के लिए। देख रहा था सब बोले को कैसे घूर रहा था। तू कहे तो मसल दूं इसे आज। हाँ आने दे इसे पानी लेकर, फिर बताता हूँ इसे मैं। लो दीपक अंकल। अबे साले अंकल होगा तेरा बाप। अभी उम्र ही क्या है मेरी, तेरे से 2-3 साल ही उम्र ज्यादा होगी मेरी। वो तो मेरी टैलेंट की वजह से छोटी सी उम्र में दीपक डॉन का पूरे इंडिया में नाम हो गया। दीपक अंकल नहीं, दीपक सर बोला मुझे। ठीक है दीपक सर। साले अंधा हो गया क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? साहब माफ कर दो, मैं दूसरा पानी का गिलास ले आता हूँ। साले एक गिलास पानी गिर कर पूरी पैंट भिगा दी मेरी, अब और पानी ला के मुझे नहलाएगा क्या? साहब गलती आपकी थी, आपने पानी अपने ऊपर खुद गिराया है। अबे सब बोले लगता है तेरे फन फैल गए हैं। अभी बताता हूँ तुझे। क्यों बे, मुझसे जवान लड़ाता है? मुझसे जवान लड़ाता है? चल भाग साले यहाँ से, और अपने बुड्ढे से भी बोल दियो आज के बाद यहाँ आना जाए, वरना उसमें ही मार लगाएंगे हम। साहब गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर प्लीज मेरे ताऊजी को नौकरी से मत निकालो। वो बेचारे इस नौकरी के सहारे ही अपना रोटी पानी का खर्चा चला रहे हैं। अबे रख ले इसके बुड्ढे को, नहीं तो इतना सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। चल ठीक है, तेरे ताऊ को नौकरी से नहीं निकाल ले हम, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोल करेगा? हाँ करूँगा साहब, बताओ क्या करना है मुझे। चल जूते साफ कर मेरे अपने हाथों से। पर साहब जल्दी से कर दे, नहीं तो ये समझ तेरे ताऊ की नौकरी गई। चल भाग यहाँ से। चलो तुम काम चालू करो। Oh,
अगर मैंने ताऊ जी को उनके मालिक के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज होंगे। कहीं ताऊ जी की लड़ाई ना हो जाए मालिक से, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसा करता हूँ, घर जाकर चुप सो जाता हूँ, बोल दूंगा थक गया था आज। रहा है क्या? आता जी। क्या हुआ बेटा, तू करा क्यों रहा है? और ये तेरी पीठ पे उंगलियों के निशान कैसे हैं? अरे कुछ नहीं ताऊ जी, शायद किसी कीड़े ने खा लिया होगा। नहीं, ये उंगलियों के निशान है। सच बता मुझे, क्या तू आज अपने दोस्तों से लड़के आया है? ताऊ जी, मैं दोस्तों से लड़ाई नहीं करके आया। आज वो ऐसा हुआ कि साफ गलती आपकी थी, आपने पानी अपने ऊपर खुद गिराया है, इसलिए उन्होंने मुझे खून मारा और मेरे से अपने जूते भी साफ करवाए। अरे मेरे बच्चे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, आपके गुजर जाने के बाद मैं मंदिर में भीख मांगने को मजबूर हो गया था, पर आप मुझे वहाँ से घर ले आए, ताऊ जी बनकर पिता जैसा प्यार दिया। अब मैं ये नहीं चाहता था कि अब मेरी वजह से आपकी नौकरी चली जाए। बेटा, तुझसे ज़्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तुझ पे कोई हाथ उठाए और मैं उसे वैसे ही जाने दूँ? बेटा तू चिंता मत कर, सुबह होते ही हम उनसे बात करेंगे। चल बेटा, तू अब सो जा। जी देखो, वो आ रहे आपके मालिक। क्या हुआ बुड्ढे, हमें बीच रास्ते में क्यों रोक रहा है? सब आपने इस बच्चे पे हाथ क्यों उठाया? अगर इसने कुछ गलती की तो मुझसे कहा होता? साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत, हमसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुक, अभी बताते हैं तुझे। बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत है? आज तक बुढ़े तो छोड़ रहा हूँ, जो आज के बाद दिख गया तो तेरी खाल खींच लूंगा। ऑफिस के आसपास दिख मत जियो, और नौकरी तो गई तेरी आज। Thank you.
आज दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, अगर हमारी डील डन हो गई तो करोड़ों में खेलेंगे। वो तो ठीक है भाई, पर आज हमारी डील नहीं हुई तो हमारा सारा बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसी मीटिंग के लिए हमने लाखों रुपए खर्च किया है। तुम पॉजिटिव रहो, सब अच्छा ही होगा। भैया भैया कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, दे तो जाए पैसे। अरे सर, उसे क्यों पैसे दिए आपने? ये तो इंडिया में आम बात है, इन साले गरीबों को हराम का खाने की आदत पड़ रही है। जहां हम जैसे अमीर आदमी देखेंगे वहीं हाथ फैला के भीख मांगने लग जाएंगे। बच्चा है वो, अभी उसे इतना पता क्या है हराम और मेहनत में फर्क क्या होता है। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो मत देते, धक्का क्यों दिया उसे? अरे सॉरी सर, इसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है। चलो माफ कर दो सर इसे। आप बताओ कैसी रही आपकी जर्नी? सही रही है। आप बताओ मुझे यहाँ क्यों मिलने के लिए बुलाया है? सर ये हमारा नया ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम दुबई में बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने अपना सारा पैसा लगा दिया है, अगर आप इसे पास कर दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे सर, इस बुड्ढे को तो मैंने कहीं देखा है। अरे ये वही बुड्ढा है दीपक, जो हमारे यहाँ नौकर का काम करता था। अरे हाँ, अरे सर अपने नौकर का फोटो रखते हो आप? पर सर एक बात बताऊँ, ये बुड्ढा बहुत बदतमीज है, इसे मैंने खूब पीटा था एक बार। हाँ यार, तबीयत से धोया था उसे। बेटा जिसे तुमने मारा था वो मेरे ताऊ जी थे। हाँ मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने खूब पीटा था, अपने जूते तक साफ करवाए थे। बताओ इन्हें मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? तुमने इनके ताऊ जी को रास्ते में पीटकर भगा दिया और वो ये सदमा सह नहीं पाए और उनकी जान चली गई। अपना पेट पालने के लिए विकास सर एक जगह मोची का काम करने लगे और फिर एक दिन साहब जूतों पे पॉलिश करवा लो, सिर्फ 5 रुपए लूंगा। प्लीज सर करवा लीजिए ना, 5 रुपए में एकदम चमका दूंगा। बेटा ये तुम्हारी किताब है? जी साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुछ बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं जूता पॉलिश करता हूँ ताकि पढ़ने के लिए किताबें खरीद सकूँ। इसलिए प्लीज साहब पॉलिश करवा लो ना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ अनाथ आश्रम में सब मुझे छोटू कहते हैं, पर मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे विकास के नाम से जाने। अच्छा बेटा, विकास का मतलब जानते हो? हाँ जी, एडवोकेट अंकल कहते हैं विकास का मतलब प्रगति, उन्नति या समृद्धि की ओर अग्रसर। अरे छोटू किससे बात कर रहा है? अरे साहब अभी तक आप यहीं पे हो? जी वकील साहब, आज से इस बच्चे का नाम
विकास रहेगा, छोटू नहीं। ओके सर। विकास बेटे खड़े हो। देखो बेटे, तुम्हारा एडमिशन मैं एक अच्छे स्कूल में करवा रहा हूँ, तुम वहाँ मन लगाकर खूब पढ़ना, जितना हो सके उतना पढ़ना। और ऐसा करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बस बस। और इस तरह विकास सर अपनी मेहनत और लगन से दुबई के टॉप बिजनेसमैन बन गए। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ सर हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारा प्रोजेक्ट पास कर दूं? तुम जैसे लोगों का जो एक बेचारे छोटे से बच्चे को मारते हैं, उससे अपने जूते साफ करवाते हैं, तुमने मेरे पिताजी समान ताऊ जी पर हाथ उठाया, उन्हें मारा पीटा, और तुम अब भी सोचते हो तुम्हारा प्रोजेक्ट पास कर दूंगा। प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दो, नहीं तो हमारा कई करोड़ का नुकसान होगा। सर हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो, तुम रोड पर आ जाओ। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो जो मेरे पीछे खड़े हैं सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, तुम दोनों को इतना धोएंगे कि तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना देंगे। लीव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपको कोई सजेशन देने हो या एडवाइस देनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, आईडी यहाँ पर मैं सामने स्क्रीन पर लिख देता हूँ। दूसरा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको मेरे से बात करनी हो आप ज़रूर मैसेज करना, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, बाय।